तो यहाँ पर खाना पीना बन गया है और अब लास्ट में खाने की तैयारी चल रही है। देख सकते हैं मस्त बिल्कुल खीर, और उसमें घी डाल के रखा साथ है डुबा डुबा के खा लेंगे। घी, घी डाल रखा है। और ये है मेरा कटोरा, और वो है मम्मी वहाँ पर खा रही है। यहाँ पे चिल बेटियों को जो है मस्त तरीके से खिला खिलो के फिर कल जो है रास्ते लगेगी। हाँ मम्मी, हेलो हाय नमस्कार और पहला आप सभी को मेरा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो जैसे कि देख रहे हो आप, सुबह सुबह का समय है 6:30 बजे का और हम चल रहे हैं रोड में। आज मैं तैयार हो आके, आज मेरा है मायके में लास्ट दिन, लास्ट क्या मतलब जा ही रही हूँ अब, तो रास्ते में पहुँच गई हूँ। तो बाकी आज का सफ़र रहेगा हमारे लीती से कपकोट तक का। पहले थोड़ा सा सामान रुकेंगे, फिर चलेंगे कपकोट। और आपने इतने दिनों से मेरे वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आज के ब्लॉग में भी बने रहिएगा और देखते हैं अभी से लेके घर तक क्या क्या होता है, तो वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। थैंक यू। बाकी आगे से लगा है मेरा भाई पहुँचाने, और लल्लू बाकी नम्मू। अभी हम अपने खूबसूरत सी जगह कुथई ताल पे गाड़ी का वेट कर रहे हैं। किसी भी समय आ सकते हैं, मतलब 7 बजे से 7:30 बजे, 8 बजे तक, मतलब जब हमारी किस्मत होगी। बाकी लोगों ने आलू के कट्टे भी रखे हैं, राड़ी बागेश्वर को आलू भी भेजते हैं वो लोग, तो वो भी हैं साथ में। हम बस इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का। नमो तो कुछ ऐसे हाल में है, पेट घूम रहा है इसका। तो अभी हम सामा बाजार में हैं। सामा बाजार की चहल पहल देखो, ये हाँ जी मैं कहाँ आने को थी बाजार में खाने आने के मुँह दिग्रह गए में। ये देखो भराड़ी मार्केट, भराड़ी के शेरे, मस्त सा व्यू भराड़ी का दिखते हुए, और सामने आगे कपकोट शेरा। भराड़ी टैक्सी स्टैंड शुरुआत में, इससे आगे भराड़ी मार्केट। Thank you.
भराड़ी मार्केट ख़त्म होने के बाद फिर अगला टैक्सी स्टैंड यहाँ पे है 200 टैक्सी स्टैंड। हाय गाइस, आज हम करने जा रहे हैं मैगी बनाएंगे खाएंगे। आपको लग रहा होगा ये हम कहाँ गए, ये कब कोटी है। बच गया भाई, बच गया। क्या हुआ, डर गया? मेरे को सोचा दूर हो गया। बच गया, मिशन सक्सेसफुल। तो मैंने नम्बू को बोला था जा नीचे से फोन लेके आ, तो हम आ गए हैं कपकोट और थोड़ी सी बीच मतलब थोड़ा सा भराड़ी बाजार के बाद सीधे घर ही पहुंचे हम। और घर आते ही बस काम हो जाता है, ये वाला हिसाब हो जाता है, चूल्हा आग न घड़न पान न, तो कुछ ऐसा ही हिसाब हमारा हो रहा था। फिर मैगी बनाया, मैगी लेने गए, मैगी बनाया हमने, दूध उबालने रखा, कल का दूध आज का दूध उबालने रखा था। मैं बगल में फोन मांगने गई ना, मुझसे यहाँ से आवाज आई उबालने की, तब दौड़ दौड़ के आई मैं, तो ये बच गया, दूध उबाल नहीं गया। बाकी दिन के लिए दाल भिगाने रख दी है और हमने बनाया है मैगी जल्दी जल्दी, और दुकान में भी जाना है। फिलहाल 10:30 हो गया है, आज हमें देर हो गई आने में, तो पहले नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। अभी मिल गया, मैं सीधे आपको रात के 9 बजे थोड़ा वॉसम कर दो। तो आज दिन भर इतना थक गई थी मैं सुबह के बाद, मतलब नाश्ता करने के बाद मैगी खाने के बाद सीधे अभी ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं रात के 9 बजे। बाकी घर का साग सब्जी रोटी सब कर ली मैंने, मतलब थकान इतनी हो गई थी जितनी शिखर जाते समय आते समय नहीं हुई, उससे ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि घर का दुकान का काम इतने दिनों से बंद पड़ा था, तो उसको करते 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 थक गई। और वीडियो बनाने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं हुआ इस बीच। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बस छोटी सी थी, मायके से यहाँ तक का सफ़र, बस कल से मैं अच्छे से पूरा सभी जगह आपको अड़ोस पड़ोस अगल बगल से मिलाऊँगी, बाकी यहाँ का दर्शन कराऊँगी अपने ससुराल का। और आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ कल एक और नए वीडियो के साथ, ना नम्मू। हाँ, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय एंड गुड नाइट।